हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूएस से आ रही जरूरी खबरों की जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूएस की गवर्नमेंट 8 नवंबर से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सभी देशों के लिए चालू कर रही है और भारत के साथ भी इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू करने की जानकारी यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट से दी जा चुकी है। तो यदि आप भारत से यूएस ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो 8 नवंबर से आप भारत से यूएस ट्रैवल करके जा सकते हैं। और इसको लेकर यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि जिन लोगों ने मिक्स वैक्सीन लगवाई हुई है वो लोग भी यूएस में आ सकते हैं। जैसे कि यदि एक वैक्सीन आपने फाइजर वैक्सीन लगवाई हुई है और दूसरी वैक्सीन यदि आप एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को भी यूएस की गवर्नमेंट अब यूएस में आने की परमिशन दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि यदि आपने भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन के अलावा यदि आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो ऐसे हालात में आपको यूएस में जाने की परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक इस वैक्सीन को WHO की तरफ से भी अप्रूवल नहीं मिला है, जिस कारण से यूएस की गवर्नमेंट ने भी कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। तो दोस्तों, इस समय भारत से यूएस केवल ऐसे लोग ही जा सकते हैं जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। तो केवल ऐसे सभी लोगों को ही यूएस में जाने की परमिशन मिली हुई है और ये सभी लोग 8 नवंबर से बिना क्वारंटीन के ट्रेवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर फाइजर वैक्सीन, एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन, भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, इन सभी वैक्सीनों को यूएस की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो यदि आपने इन सभी वैक्सीनों में से कोई भी वैक्सीन लगवा रखी है तो आप यूएस में आप ट्रैवल करके जा सकेंगे, जो कि 8 नवंबर से यूएस की गवर्नमेंट सभी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को चालू कर रही है।